सिक्स क्वेश्चन देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सेकेंड पैरेलल लाइंस हो और थर्ड का आपका क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन्स हो। यानी कि इस इक्वेशन के साथ आपने एक इक्वेशन और लिख के बतानी है जिससे कि वो दोनों जो लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन हो या पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, गिवन लाइन आपकी क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन आपकी गिवन है। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट द लाइन, एक लाइन और लिखेंगे हम यहां पे, और वो लाइन सपोज कीजिए हमने लिख दी है 3x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यहाँ अगर आप देखेंगे a1 बाय a2 क्या बनेगा 2 बाय 3, b1 बाय b2 क्या बनेगा 3 बाय 1, कि दोनों आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एज इस केस में आप देखेंगे a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, क्योंकि इंटरसेक्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 आपके इक्वल नहीं होने चाहिए। यहीं अगर हम देखेंगे ना, यहाँ देखना चाहो, जैसे आप a1 बाय a2 अगर आप लिखोगे, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है और b2, b1 कितना आपका 3 और b1 कितना आपका यहाँ पे ये रहा 1, क्या इक्वल हैं, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स लाइन आपस में एक दूसरे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन आप ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना ही करना आपने, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। सेकेंड की जब बात करते हैं, सेकेंड पार्ट में लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब पैरेलल के अंदर कंडीशन क्या होती है, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू एंड नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। तो इसमें क्या लिखेंगे, गिवन लाइन, पहले तो वही गिवन लाइन कौन सी आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो गिवन लाइन है। इज पैरेलल टू कोई इक्वेशन और लिखेंगे हम, पैरेलल कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए 2 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, फिर 3 से कर देंगे 9 और यहाँ कुछ भी लिख देंगे 84 के अलावा, यहाँ लिख दिया सपोज कीजिए मैंने लिख दिया प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ इन दोनों केस में देखो, देखिए a1 बाय a2 2 बाय 3 क्या बनेगा आप 2 बाय 6 1 बाय 3, 3 बाय 9 1 बाय 3 और थर्ड क्या होगा आपका माइनस 8 बाय 27 जो इनकी इक्वल नहीं है। तो ये लिख दिया हमने एज, क्यों नहीं है एज यहाँ अगर देखेंगे ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या आपका सी वन बाय सी टू है। तो इसके भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं इस टाइप से। तो हमने कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपका आंसर बुक के अंदर मिले, इस तरह से कितने सारे भी सोल्यूशन इसके अंदर हो सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं चेक इसको, आप देखिए जैसे यहाँ से मैं लिखता हूँ ए वन बाय ए टू लिखता हूँ, ए वन बाय ए टू, ए वन कितना है 2, ए टू कितना है 6, कितना हो आपका 1 बाय 3, फिर बी वन बाय बी टू लिखते हैं हम 3 बाय 9। इनको इसी ढंग से करना ताकि ए वन बाय ए टू और बी वन बाय बी टू आपकी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और सी वन बाय सी टू इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है माइनस 8 और वो आपका क्या है 27 सी वन एंड सी टू। यहाँ अगर देखेंगे तो क्या आपके इक्वल नहीं है ना, शुरू के दो तो इक्वल हैं बी वन बाय बी टू एंड नॉट इक्वल टू क्या आपका सी वन बाय सी टू, और इस केस में आपकी लाइन जो क्या होंगे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट के अंदर आपको पता है क्या होता था, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू एंड इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। तो गिवन लाइन लिखेंगे पहले तो ऐसे ही, गिवन लाइन क्या आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, इज कोइंसिडेंट
डेंट टू, इनको सभी को चाहे तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री से कर दीजिए या फोर से कर दीजिए सबको, ताकि सेम आइग्रेशन उनकी। मैं थ्री से कर रहा हूँ, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री एट जा 24। इनकी रेशियो क्या रहेगी, 1/3, 1/3, 1/3। अगर सी वन बाय सी टू, बी वन बाय बी टू, ए वन बाय ए टू निकालेंगे तो एज लिख देंगे क्या आपका, ए वन बाय ए टू, यहाँ पे ए वन बाय ए टू निकालेंगे, बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। बी क्यों कोइंसिडेंट है, क्योंकि इनके अंदर देखेंगे हम ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू आपके सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। फिर वैसे अगर करके देखना चाहो देख सकते हो आप, यहाँ से अगर आप ए वन बाय ए टू निकालते हैं 2/6 क्या बनेगा 1/3, फिर आप बी वन बाय बी टू निकालना चाहते हैं क्या 3/9 क्या होगा आपका ये 1/3, फिर आप सी वन बाय सी टू निकालें क्या बनेगा -8/-24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3 = 24, तीनों क्या है 1/3 के इक्वल है। इसीलिए तो मैंने इसको सेकंड जो इक्वेशन बनाई है उसको अरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा और इस ढंग से आपका जो है 6 क्वेश्चन कंप्लीट है।